हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे नाखून बढ़ते कैसे हैं और नाखून को काटने से हमें दर्द क्यों नहीं होता। हम अपने नाखूनों के बारे में सिर्फ तब सोचते हैं जब हमें इसे काटना होता है या फिर तब जब हमें इसे पेंट करना होता है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे नाखून के बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं। हमारा नाखून हमारे हाथों और पैरों के टिप्स या सिरे को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किसी चीज को पकड़ने और ग्रिप बनाने में भी हमारा नाखून मदद करता है। और तो और, डॉक्टर सिर्फ हमारे नाखून को देखकर हमारे हेल्थ के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। हमारा नाखून नेल रूट से बनना स्टार्ट होता है। नेल रूट को नेल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। जब नेल रूट में सेल्स बढ़ती हैं, तब नए सेल्स पुराने सेल्स को बाहर की ओर निकाल देती है। ये पुराने सेल्स डेड सेल्स होती है और ये बहुत ही सख्त होती है। ये पुराने सेल्स नेल बेड के ऊपर जमा होती जाती है। नेल बेड बहुत सारी छोटी छोटी खून की नलिकाओं से जुड़ी होती है, जिसके कारण हमारे नाखूनों का ऊपरी हिस्सा गुलाबी सा दिखाई देता है। नेल बेड से जुड़े हुए नाखून को नेल प्लेट कहा जाता है। जब हमारा नाखून नेल बेड को क्रॉस कर जाता है, तब वो किसी भी तरीके से त्वचा से नहीं जुड़ी रहती है। और क्योंकि वो सारे डेड सेल्स होते हैं, इसलिए जब हम उन्हें काटते हैं तब हमें कोई दर्द महसूस नहीं होता है। हमारा नाखून कैरेटीन से बना होता है। कैरेटीन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो ऐसे सेल्स को बनाता है जिससे हमारे नाखून के टिश्यूज बनते हैं। कैरेटीन से ही हमारे शरीर के बाल और हमारे शरीर की ऊपरी सतह भी बनती है। हमारा नाखून जिस जगह में हमारी त्वचा से मिलती है उसे क्यूटिकल कहा जाता है। क्यूटिकल्स हमारे नेल रूट को प्रोटेक्ट करता है। आपने अपने नाखून के ऊपर सफेद रंग का अर्धचंद्राकार हिस्सा तो देखा ही होगा। इस हिस्से को लुनुला कहा जाता है। लुनुला को हमारे अंगूठे के ऊपर आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं नाखून के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर वन, हमारा नाखून एक दिन में सिर्फ 0.1 मिलीमीटर तक बढ़ता है। नाखून के बढ़ने की ये स्पीड हमेशा एक समान नहीं होती है। जैसे हमारा नाखून गर्मी के दिनों में ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ऐसा होने का एक कारण यह भी है कि गर्मी के दिनों में सूर्य की रोशनी बहुत तेज होती है, जिससे हमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। नंबर टू, महिलाओं की तुलना में पुरुषों के नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस के कारण महिलाओं के नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। नंबर थ्री, अगर किसी चोट के कारण से हमारी हाथों का नाखून निकल जाता है तो उसे वापस पूरी तरह आने में 6 महीने तक का समय लग सकता है। और अगर हम अपने पैरों की नाखून की बात करें तो इसे पूरी तरह आने में 12 से 18 महीने का समय लग सकता है। नंबर फोर, अगर आप अपने नाखून का टुकड़ा कोका कोला से भरे ग्लास में रखते हैं तो नाखून 4 दिनों के अंदर अंदर उसमें पूरी तरह घुल जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोका कोला में फॉस्फोरिक एसिड होता है, जिसका pH 2.8 होता है, जो नाखून को 4 दिनों के अंदर पूरी तरह पिघला देती है। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।